जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मुगदातर आपमनकु स्वागत करछु जीपी निलुक यूट्यूब चैनल नुवा एक वीडियो रे। आज रे वीडियो रे आपण माने जानिबे जे खरीफ चास क्रय पई चासी किपरी पंजीकरण फॉर्म किपरी फिलअप करिवे आ कोन कोन सब डॉक्यूमेंट दरकार। आज रो वीडियो रे मु आपण मानकु डिटेल्स जणाइबी। जानिया पूर्वरो आम चैनल रे नुवा आइतिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, पाकर थिबा घंटी बेल को ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे, जहा फल रे आगो को जहा कि सरकारंकर सब नुवा नुवा योजना आसीबो आम चैनल रे अपलोड हेले आपण माने ही सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाई परिबे। आ देरी न करी एबे चलंतु संपूर्ण जानि नबा। देखंतु जे खरीफ धान क्रय पई चासी पंजीकरण धान संग्रह वर्ष 2024-25 आम राज्य रे खरीफ धान संग्रह ता 1/11/2024 रु ता 31/3/2025 मध्य रे परिचालित हेबो। तापर देखंतु थिपाई चासी माने सेमानकर निकटस्थ अनुमोदित प्राथमिक कृषि समवाय समिति बा स्वयं सहायक गोष्ठी पाणी पंचायत रे आगुआ पंजीकरण करिवा को आवश्यक। सेतिपाई आपण मानकर कोन कोन सब डॉक्यूमेंट दरकार। आपण मानकर जो बैंक पासबुक रही तार प्रथम पृष्ठा एवं शेष जो ट्रांजेक्शन रही शेष ट्रांजेक्शन पृष्ठा आपण जेरेस करिवे। ता सहित चाष जमी बाबद प्रमाणपत्र अर्थात जमीर पट्टा दलिल इत्यादि, ता सहित आधार कार्ड नकल, तापर आपणकर मोबाइल नंबर जदि निजर मोबाइल नंबर न थाए ते परिवार सदस्य नंबर देवा आवश्यक। आपण मानकर जेकोणसी आपणकर अभियोग रही ताले आपण जो देयमुक्त नंबर रही 1967 रे आपण माने कॉल करी आपण जे अभियोग दाखल करी पारिबे। ता सहित आपणकर जे फॉर्म अप्लाई करिया पई आपण फॉर्म केटी पाइबे ना ऑलरेडी मु आपण मानकु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे जे वेबसाइट लिंक दे देबी, आपण माने से वेबसाइट की जाई तळे देखिबे जो फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रही तारि परे आपण मानकु क्लिक करनेबे। क्लिक कले आपण गोटे फॉर्म होची डाउनलोड हो जीवो, से डाउनलोड फॉर्म टी कौन करिवे ना कौन सी जेरेक्स दुकान को जाई जेरेक्स करी आनिवे। जेरेक्स करी सल्ला परे आपण किपरी फिलअप करिवे आसंतु जानि नबा। देखंतु फिलअप करिया पूर्वरु आपण मान पाखरे जहाँ कि सब डॉक्यूमेंट पाखर रखिवे, तापर आपण मान कौन करिवे। देखंतु फॉर्मर प्रथम रही चासिंकर विवरणी, प्रथम देखंतु प्रथम एक नंबर रे आपणकर जिला लेखिबे, तापर दुई नंबर रे आपणकर तहसील, तापर तीन नंबर देखंतु ब्लॉक बा सहरांचल आपण लेखिबे, चार नंबर पंचायत बा किंबा वार्ड नंबर लेखिबे, पाँच रे देखंतु ग्राम प्लॉट नंबर, तापर देखंतु छ देखंतु पिन कोड आपणकर जो पिन कोड रही पिन कोड टी फिलअप करदे, तापर राइट साइड देखंतु सात नंबर ना लिखिबे, तापर संपर्क पिता बा स्वामी, नंबर नंबर देखंतु परिवार सदस्य संख्या आपणकर परिवार केते जन सदस्य रही, तापर संपर्क ना लिखिबे, मोबाइल नंबर एटी देबे, तापर देखंतु राइट साइड रे देखंतु जे 12 नंबर देखंतु बैंक ना लिखाई आपणकर केउ बैंक रे खाता अछि से बैंक ना लिखिबे, तापर खाता नाम लिखिबे, जमा खाता नंबर लिखिबे, तापर आईएफएससी नंबर लिखिबे। लिखि सल्ला परे देखंतु केएमएस वर्ष आपणकर केउ वर्ष तारीख लिखिबे, 17 देखंतु जे खरीफ किंबा रवि फसल राइट चिन्ह मारिबे, तापर आधार नंबर देबे, तापर लिंग पुरुष किंबा महिला आपण चूज करनेबे, तापर धान विक्रय करिबा केन्द्रर एठी ना लिखिबे, तापर लिफ्ट आपणकर इलेक्ट्रिक कंज्यूमर नंबर लिखिबे, बोरवेल इलेक्ट्रिक कंज्यूमर नंबर लिखिनेबे। 19 नंबर देखंतु जे अनुसूचित जाति बा अनुसूचित उच्च जाति ए सब जगार आपण ठीक मार्क मारदेवे, तापर मंडी धान आणिबार समय सीमा आपणकर मास नाटी लेखिनेबे, तापर देखंतु जे पक्ष चयन करंतु प्रथम पक्ष बा द्वितीय पक्ष एठी क्लिक करिवे ठीक चिन्ह, तापर देखंतु जे चास होइतुवा जमीर विवरणी देबे। देखंतु एई फॉर्म टी आपण माने फिलअप करिवे, प्रथम देखंतु तहसील आपणकर तहसील लेखिनेबे, रेवेन्यू सर्कल लेखिनेबे, तापर आपणकर ग्राम लेखिनेबे, खाता नंबर लेखिनेबे, प्लॉट नंबर नंबर लेखिनेबे, तापर जमी मालिक खाताधारक ना लेखिदेबे, जमी मालिक सह चासी संपर्क जदि स्वामी स्त्री पुओ भागी चासी आपणकर संपर्क कौन होंती लेखिनेबे, जदि आपण भागीचाषी होती ताले सहमति पत्र आनी कि ना ये लिखिबे हाँ कि ना, जमी मालिक ना लिखिनेबे, जमी मालिक आधार नंबर लिखिनेबे, तापर आपणकर जमी मालिक मोबाइल नंबर निहाती दरकार, जमीर परिमाण आपण देबे, किसम लिखिनेबे, जलसचनर उत्स
କେନାଲ ଲିଫ୍ଟ ବା ବୋରୱେଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇଠି ସବୁ ଫିଲଅପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ନାମା ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀର ଟିପ କିମ୍ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏଇଠି କରିନେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୁନ୍ଥି ଆପଣ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ସେଠି ଆପଣ ଜମା କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗି ଚାଷୀ ତାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କନସେଣ୍ଟ ଲେଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟର ବାହାର କରି ଫିଲଅପ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଯେ କିପରି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 5 ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।